क्योंकि यहाँ पे गेम ये अल्टीमेटली बन जाता है भैया कोर्स को वेटेज देनी चाहिए या कॉलेज को वेटेज देनी चाहिए। ये आज का डिलेमा नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली जब से मैंने क्लास 12 पास आउट करी है 2015 में तब से डिलेमा चलता आ रहा है। इट्स बीन 8 इयर्स नाउ सिंस आई पास माय क्लास 12, तब से ये सेम क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली आता है। पिछले 6 साल से जब से मैं काउंसलिंग दे रहा हूं तब से ये सेम क्वेश्चन आ रहा है। सर आप ये बताइए कोर्स को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए या कॉलेज को? और कोई बोलता कोर्स को, कोई बोलता कॉलेज को, आप दोनों ही रॉन्ग नहीं हो, आप दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हो। बट मेरा ओपिनियन हमेशा इंक्लाइन रहता है टुवर्ड्स गोइंग फॉर कॉलेज प्रेफरेंस मोर, गिविंग मोर वेटेज टू कॉलेज प्रेफरेंस रादर देन कोर्स प्रेफरेंस। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो वो मैं 5 साल पहले एक्सपीरियंस करके आ चुका हूं। स्टूडेंट्स के साथ हर साल जितने जूनियर जाते हैं डीयू उनसे सुनता आ रहा हूं स्टोरीज, फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस सुनता आ रहा हूं। कोर्स से ज्यादा वेटेज आपको कॉलेज को देनी चाहिए, कैंपस को देनी चाहिए। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेटवर्क आपकी क्या होने वाली है, एलुमनाई नेटवर्क आपका कैसा होगा, वो सारी चीजें कॉलेज डिसाइड।